चिन्नौर के जीआई टेक की सफलता में वाराचीनी क्षेत्र का अहम योगदान। आज कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वाराचीनी आकर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल विधायक का चिन्नौर को जीआई टेक दिलाने के कार्य में विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। गुड्डा भैया ने खुशी के वातावरण में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज का दिन गौरवशाली है। पहली बार प्रदेश में किसी फसल को जीआई टैग मिला है। इसके पीछे कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत व प्रयास है। अब हमारी चिन्नौर को राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। कानूनी तौर पर संरक्षण से अब निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले चिन्नौर की उपज पर महाराष्ट्र राज्य की ओर से भी क्लेम किया जाता रहा है, किंतु कृषि वैज्ञानिकों व तत्कालीन जिलाधीश दीपक आर्य के साथ जनवरी 2020 के बाद से अनेक बैठकों के बाद आज अंततः मेहनत सफल हुई है। इसी तरह कृषि महाविद्यालय मोझर के अधिष्ठाता नरेश कुमार बिसेन व उत्तम बिसेन सहायक प्राध्यापक ने पूरी प्रक्रिया व मेहनत की विस्तार से जानकारी देते हुए गुड्डा भैया के सहयोग व प्रयासों के लिए आज उनके निवास पर आकर धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसमें किसानों के दल व वैज्ञानिकों की टीम के मुंबई जाने से लेकर प्रमाण पत्र मिलने तक के सहयोग को विशेष रूप से रेखांकित किया। आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। जिला आबकारी अधिकारी बालाघाट के द्वारा सहायक आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में वाराचीनी कटंगी बालाघाट व्रत के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त कार्रवाई लालबर्रा क्षेत्र के बघोली सालई नकपुरा चिजगांव में दबिश दी गई, जहां से छोटे बड़े ड्रमों के साथ 30 लीटर कच्ची मदिरा एवं महुआ लाहन जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 285,000 बताई गई।